चलिए तो क्लास को कंटिन्यू करते हैं और आज हम लोगों को पढ़ना है अक्षांश के साथ जी के मान में परिवर्तन, यानी कि पृथ्वी का जो अक्षांश है उसके साथ जी की वैल्यू किस प्रकार से वैल्यू इन्क्वायरी करती है। और ये जो टॉपिक है अक्षांश के साथ जी के मान में परिवर्तन, ध्यान दीजिएगा, तो ये टॉपिक जो कल हम लोग केस पढ़े थे तो उसका एक स्पेशल केस है कि पृथ्वी के घूर्णन के साथ किस तरीके से पृथ्वी पर परिवर्तन आता है। ठीक है, तो हेडिंग कर लीजिएगा आप लोग जल्दी से, अक्षांश के साथ जी के मान में परिवर्तन, अक्षांश के साथ साथ जी, क्या कर रहे हो, पेन नहीं आएगा, उधर हो गया ना, अरे नहीं आएगा, जी के मान में परिवर्तन। ठीक है, हेडिंग कर लीजिए जल्दी से, हेडिंग करने में आप लोग बहुत टाइम लेते हैं। तो अक्षांश के साथ जी के मान में परिवर्तन, चेंज इन इन वैल्यू ऑफ स्मॉल जी विथ चेंज इन एल्टीट्यूड, चेंज इन इन एल्टीट्यूड ऑफ अर्थ, एल्टीट्यूड ऑफ अर्थ पृथ्वी के अक्षांश के साथ। अरे वो नहीं आएगा, उधर बंद है, दिख नहीं रहा है, चलिए इस पर फोकस कीजिए, ध्यान दीजिए। तो सपोज करते हैं कि हमारे पास ये हमारी पृथ्वी है, फिगर आप लोग बनाइएगा, पृथ्वी एकदम स्फेरिकल शेप में बनाइएगा, और हमसे स्फेयर शेप में नहीं बन रही है तो, लेकिन आप लोग स्फेरिकल शेप में बनाइएगा अगर हो सके। ये हो गया था ना? नहीं हुआ था अभी, ठीक है, हाँ टू पॉइंट्स हो गए थे, तीसरा पॉइंट था ना, तो इसको हम लोग को डिस्कस करना है अक्षांश के साथ कैसे जी के मान में वेरिएशन आता है। तो ये हमारे पास अर्थ है और हम लोग कंसिडर करते हैं कि ये अर्थ का एक्सिस ऑफ रोटेशन यानी घूर्णन अक्ष है जो कि नॉर्थ और साउथ एन एस, ठीक है, डायरेक्शन में है। तो ये आपका नॉर्थ पोल यहाँ पे एग्जिस्ट करता है और यहाँ पे साउथ पोल। तो हम लोग कंसिडर कर रहे हैं कि किसी समय पृथ्वी जो है ओमेगा कोणीय वेग से घूर्णन गति कर रही है, ठीक है, तो इसका कोणीय वेग क्या है, ओमेगा, ओमेगा कोणीय वेग से घूर्णन गति कर रही है। तो जब पृथ्वी ओमेगा कोणीय वेग से घूर्णन गति कर रही होती है, ध्यान से सुनिएगा, ठीक है, आप लोग जितना नोट करते हो चीज़ें, जितनी ज़्यादा अच्छे से नोट्स मेंटेन रखते हो, वो सबसे ज़्यादा जब आपके क्लास के लेक्चर्स होते हो तो उसमें टीचर क्या बता रहे हैं उन चीज़ों को भी फोकस करना चाहिए, ठीक है। तो जब पृथ्वी ओमेगा कोणीय वेग से घूम रही होती है तो पृथ्वी पर स्थित या पृथ्वी तल पर स्थित प्रत्येक कोण, प्रत्येक वस्तु सेम कोणीय वेग से रोटेट कर रही होती है ना, और इसीलिए हमें पता नहीं चल पाता कि वास्तव में पृथ्वी घूम रही है या नहीं, कभी आभास भी नहीं होता। एक चीज़ तो अलग है कि पृथ्वी का जो कोणीय वेग है ओमेगा इज इक्वल टू कितना है, कल हमने बताया था, किसी को याद है, 7.0 × 10⁻⁵ रेडियन पर सेकेंड, ठीक है। तो इतने कोणीय वेग से जो कि बहुत कम है पृथ्वी लगातार क्या कर रही होती है, घूर्णन गति कर रही होती है। तो अब उस पर स्थित प्रत्येक वस्तु यानी हम लोग भी क्या कर रहे हैं, पृथ्वी के साथ घूम रहे हैं, और चूँकि पृथ्वी के साथ में ही घूम रहे हैं तो जो रिलेटिव वेलोसिटी होता है, सापेक्ष वेग होता है, वो क्या होता है, ज़ीरो हो जाता है, और इसलिए हम लोग को पता नहीं चलता कि वास्तव में पृथ्वी घूम रही है या नहीं। तो यहाँ पर भी इस केस में हमें यही समझना है। तो सबसे पहले हम लोग कंसिडर क्या करते हैं, कंसिडर करते हैं कि हमारे पास पृथ्वी है जिसकी त्रिज्या आर ई तो और द्रव्यमान एम ई है। तो हम लिखते चलते हैं थोड़ी थोड़ी चीज़ें ताकि आप लोगों के लिए आसानी रहे, ठीक है। तो माना, लिखते जाइए आप लोग भी, पृथ्वी की त्रिज्या, माना पृथ्वी की त्रिज्या आर ई तथा द्रव्यमान एम ई है, लिखते जाइए साथ में तो जल्दी अच्छा रहेगा, द्रव्यमान एम ई है, जिन लोगों को दिखाई ना पड़े तो वो बता दीजिएगा कि सर बड़ा लिखिए तो हम बड़ा लिखने लगेंगे, ठीक है। माना पृथ्वी की त्रिज्या आर ई तथा द्रव्यमान एम ई है, फिर इसके बाद हम लोग कंसिडर करते हैं, माना पृथ्वी के तल पर कोई बिंदु
ना, बिंदु कैपिटल पी स्थित है, पी है ठीक। फिर आगे मानो इस बिंदु पर, इस बिंदु पर, बिंदु पर स्मॉल एम द्रव्यमान का, पर स्मॉल एम द्रव्यमान का मान का एक कण या पिंड, कुछ भी कंसीडर कर लीजिए, एक कण स्थित है, एक कण स्थित है, स्थित है ठीक है। फिगर पर ध्यान दीजिए, हम लोगों ने मान लिया कि हमारे पास ये क्या है, अर्थ है, इसकी रेडियस को हमने कंसीडर किया है, तो रेडियस हम लोग आगे दिखा देते हैं। उससे पहले हम लोग क्या करते हैं, इसका डायमीटर जो है, डायमीटर को बता देते हैं इस प्रकार से। तो ये हो गया इसका सेंटर, कंसीडर करते हैं कि इसका सेंटर क्या है, ओ। तो अब हमने क्या बताया कि इस पृथ्वी के तल पर कोई बिंदु पी है, तो बिंदु पी को हम लोग यहाँ पर कंसीडर करते हैं। ये क्या हो गया आपका पॉइंट पी, और पॉइंट पी पर एम द्रव्यमान का कोई वस्तु है, कंसीडर कर लेते हैं कि जो वस्तु है इसका द्रव्यमान क्या है, स्मॉल एम। तो ये आपकी क्या हो जाएगी, पृथ्वी की त्रिज्या, रेडियस ऑफ अर्थ, यहाँ से आप इसे मिला दीजिए, एकदम स्ट्रेट स्केल की सहायता से बनाइएगा ठीक है। तो ये आपका हो गया रेडियस ऑफ अर्थ ना, आर ई, ये पूरी डिस्टेंस, ध्यान दीजिए ये पूरी डिस्टेंस क्या हो गई, आर ई। अब यहाँ पे ऑब्जेक्ट है, इसका मास कितना है, एम ना, स्मॉल एम द्रव्यमान का ऑब्जेक्ट है कोई ठीक। तो यहाँ पर हम लोग दो चीज़ों की बात करेंगे, पहले हम एक ऐसी स्थिति की कल्पना करते हैं जब पृथ्वी हमारी क्या कर रही, रुकी हुई है ठीक है ना, जब पृथ्वी कोई घूर्णन नहीं कर रही है। तो अब इस चीज़ के बारे में हमें पता है अच्छे से कि किसी वस्तु का द्रव्यमान हमेशा क्या करता है, अगर कोई वस्तु वृत्ति गति कर रही है तो उसका द्रव्यमान हमेशा केंद्र की ओर डायरेक्टेड रहता है। तो जब पृथ्वी, ये कब, जब पृथ्वी घूर्णन नहीं कर रही, जब पृथ्वी घूर्णन नहीं कर रही है तो इसका जो मास है ना, मास, मास के कारण इस वस्तु का जो भार होगा, भार क्या होता है, डब्ल्यू बराबर एम जी। तो मास के कारण जो वस्तु का भार होगा वो कहाँ पे, केंद्र की ओर कंसंट्रेटेड होगा या केंद्र की ओर डायरेक्टेड होगा। तो इस पी पर जो एम द्रव्यमान का कोई ऑब्जेक्ट है, तो एम द्रव्यमान के ऑब्जेक्ट का जो भार होगा, भार एम जी, वो किधर डायरेक्टेड होगा, वो डायरेक्टेड होगा सेंटर की ओर, केंद्र की ओर ठीक है। ध्यान दीजिएगा आप लोग, तो ये हम लोग बना देते हैं यहाँ पे एम जी। तो ये आपका क्या हो गया, एम जी ठीक है ना, एम जी। लेकिन वास्तव में तो ऐसा है नहीं, पृथ्वी रुकी नहीं है बल्कि घूर्णन गति कर रही है। और जब पृथ्वी घूर्णन गति कर रही होती है तो उसकी घूर्णन गति के कारण जी के मान में वेरिएशन आता है, चेंज आता है। कल हम लोग इस चीज़ को देखे थे दूसरे पॉइंट में कि वेरिएशन जो आता है वो क्यों आता है। तो क्यों आता है, क्योंकि जब पृथ्वी घूर्णन कर रही होती है तो उस केस में पृथ्वी तल पर स्थित प्रत्येक वस्तु घूर्णन गति कर रहा होता है एक निश्चित वृत्ति गति में। अब वृत्ति गति में किसी भी वस्तु को घूर्णन गति करने के लिए अभिकेंद्र बल की आवश्यकता होती है। फिर वस्तु को अभिकेंद्र बल मिलेगा कहाँ से, तो वो अभिकेंद्र बल उसे मिलेगा स्मॉल जी के कारण, जो वस्तु का भार होगा एम जी, उस भार के कारण। तो कुल मिलाकर यहाँ पर कहने का क्या मतलब, कहने का ये मतलब कि जो हमारे पास गुरुत्वीय त्वरण जी होता है उसका कुछ ना कुछ पोर्शन हर एक वस्तु को अलग अलग जगह पर अभिकेंद्र बल प्रदान करने में खर्च हो जाता है। इसीलिए जब अर्थ रोटेट करना स्टार्ट करती है तो जी के मान में वेरिएशन आ जाती है, कुल मिलाकर कमी आ जाती है ठीक। जैसे ही अर्थ रोटेट करना स्टार्ट करेगी तो जी का मान क्या करेगा, वेरी करके कम हो जाएगा। और वेरी करके कम होने पर उसकी जो डायरेक्शन है वो भी चेंज हो जाती है, मतलब वो सेंटर की ओर ना होकर सेंटर से थोड़ा हट जाता है ठीक है। तो इसमें एग्जांपल क्या होता है, एग्जांपल के तौर पर जब कोई वस्तु बहुत ऊंचाई से, बहुत ज़्यादा ऊंचाई से गिराई जाती है तो वो एकदम सीधे वर्टिकल डायरेक्शन में ना आकर परवलयाकार पथ पर गति करते हुए आती है ना। एग्जांपल के तौर पर जब कोई ऑब्जेक्ट क्या होता है, पैराशूट से कोई व्यक्ति कूदता है ना, जैसे सपोज करो, तो एग्जाम्पल देकर कल हम बताया था शायद ना, तो ये सपोज करो कोई व्यक्ति है और ये क्या कर रहा है कि ये पैराशूट लिया हुआ है ना इस तरीके से, और पैराशूट की सहायता से कूद रहा है ठीक है। और इसके जस्ट नीचे ये यहाँ कूदना चाहता है, यहाँ पे क्या है, पानी है ठीक है। और बहुत ऊंचाई से जब कूद रहा है 4,000-5,000 फुट की ऊँचाई से, तो ये सोचेगा कि पानी में कूद जाया जाए ना, क्यों, ऑब्जेक्ट कम्प्लीट नहीं है क्या, अच्छा हाथ नहीं, हाथ है तो पकड़ा है ना ठीक है, अच्छा जुड़ा है ठीक है, ऐसा मत मानिएगा कि हाथ अलग है ठीक है। तो ये तो यहाँ पर ये कूदना ज़रूर चाहेगा, लेकिन जब इतनी हाइट से कूदेगा तो ये क्या करेगा, ये पानी पर ना आकर, यानी वर्टिकल मोशन में गति ना करते हुए ये प्रोजेक्टाइल मोशन में गति करेगा और यहाँ पास कहीं आकर गिरेगा। तो ऐसा, हाँ
पैराशूट सीधे आएगा? नहीं नहीं ऐसा भी नहीं है, पैराशूट नहीं रहेगा तो भी सीधे नहीं आएगा, ठीक है? हाँ तो बस यही है कि पैराशूट नहीं रहेगा तो जल्दी आ जाएगा, ठीक है, कुछ सेकंडों में ना, कुछ सेकंडों में यहाँ पर ये पहुँचाएगा। अच्छा हाँ नहीं 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 सीधे नहीं आएगा, सीधे कभी भी नहीं आएगा। कितने भी वेटी मास भारी मास आप फेंको, जब इतनी हाइट से फेंकोगे तो भले पैराशूट ना रहे, अर्थ का रेजिस्टेंस जो एयर का रेजिस्टेंस है वो कुछ ना कुछ ऐड करता है उत्प्लावन बल, ठीक है, और जो रोटेशन के कारण अर्थ के जी में वेरिएशन आ रहा है तो वो भी होता है, ठीक है। तो आप इस चीज़ को क्या करोगे, कितनी ऊंचाई से फेंक कर ऑब्जर्व कैसे करोगे, ठीक है ना, तो पैराशूट से जब देखोगे तभी ये काम हो पाएगा। तो जब भारी ऑब्जेक्ट को हम फेंकेंगे तो चाहे वो जितना भारी ऑब्जेक्ट हो लेकिन ये वर्टिकल डायरेक्शन में कभी नहीं आएगा, थोड़ा सा चेंज ज़रूर आएगा ना। तो छत से कूदने की प्रैक्टिस मत करना कि सर जी बढ़िया एग्जांपल किए थे, एक बार कूद के देखते हैं ना। और देखो ये चीज़ होता है, मैं आगे नहीं बताऊंगा, नहीं आप लोग सच में करने लगो, ठीक है। तो क्या होता है, तो जब अर्थ रोटेट कर रही होती है तो देखिएगा, तो जब अर्थ रोटेट कर रही होती है तो इसका जी क्या करता है, थोड़ा सा सेंटर से हट जाता है और सेंटर से हट कर ये थोड़े से अलग डायरेक्शन में चला जाता है। कंसीडर करते हैं हम लोग कि यहाँ पर आ जाएगा, तो यहाँ पर अब जी यहाँ पे है, यहाँ पे क्या हो जाएगा जी डैश, तो वस्तु का भार यहाँ पे क्या हो जाएगा एम जी डैश, ठीक है। चलिए फिर आगे चलते, तो ये सारी चीज़ें लिखने की ज़रूरत नहीं है, ध्यान दीजिएगा ना। तो ये सारी चीज़ें पता चला हम लिखेंगे तो तीन बार बोर्ड हमें चेंज करना पड़ेगा, इरेज करना पड़ेगा, और आप लोग भी एकदम से बोर हो जाओगे, सर जी क्या पढ़ा रहे हैं आज, कहानी सुना दे ज़्यादा अच्छा है, ठीक है। तो कहानी सुन लो, इसलिए मैंने कहा कि ना माइंड में टीचर की बात को रखा करो कभी कभी कि क्या क्या बोला गया है। दूसरी चीज़, अब जब ये पॉइंट अभी सब समझ में आ रहा है ना, अभी कहोगे कि सब ऊपर से जा रहा है, क्यों विकास कल आए नहीं थे, एब्सेंट थे, तो इस तरीके से चीज़ें ना हो बने पाए कि ऊपर से जा रहा है जैसे शब्द आए आप लोगों के मुँह से। देखिएगा, तो ये चीज़ पहले हम लोग क्या किए, पृथ्वी की घूर्णन स्थिति को स्थिर मानते हुए कि पृथ्वी रोटेट नहीं कर रही, एम जी को कंसिडर किए। उसके बाद जब रोटेट करने लगी तो किस तरीके से जो जी डैश में वेरिएशन आ रहा है उसके लिए हम लोग एम जी डैश की बात किए। फिर हम लोग बात करते हैं कि जब पृथ्वी रोटेट करना स्टार्ट करेगी, घूर्णन करेगी, तो पृथ्वी तल पर स्थित प्रत्येक वस्तु समान कोणीय वेग से घूर्णन करता है। तो ये जो ऑब्जेक्ट यहाँ पर है पॉइंट पी पर, ये भी घूर्णन करेगा, ठीक है, ध्यान दीजिएगा। अगर यहाँ पर कोई ऑब्जेक्ट है तो इसका एक वृत्तिपथ अलग बनेगा, यहाँ पर कोई ऑब्जेक्ट है तो उसका एक वृत्तिपथ अलग बनेगा, यहाँ पर, तो मतलब कि जितने भी जगह पे अलग अलग ऑब्जेक्ट हैं सब अपने अपने एक अलग वृत्तिपथ बनाकर, वृत्ताकार पथ बनाकर उस पर घूर्णन करते हैं, ठीक है ना। जो दिन और रात का पाया होना पाया जाता है इसी, तो इसमें क्या होता है, तो इसी कारण से क्योंकि हर एक ऑब्जेक्ट अपनी जगह पे फिक्स है, पृथ्वी रोटेट कर रही है तो कहाँ पे सूर्य पहुँचा, दिन हो गया ना, यहाँ पे पता चला अमेरिका में दिन है तो यहाँ पे रात है, तो ये सारी चीज़ें इस कारण से होती है क्योंकि तल पर स्थित जो ऑब्जेक्ट्स हैं, ठीक है, ध्यान दीजिएगा। तो यहाँ पर जो ऑब्जेक्ट बिंदु पी पर है एम द्रव्यमान का, तो इसका एक खुद का एक वृत्ताकार पथ होगा, ठीक। तो हम लोग कंसिडर कर लेते हैं कि ये इस ऑब्जेक्ट के वृत्ताकार पथ की त्रिज्या है, ध्यान दीजिएगा, इस वृत्ताकार पथ की त्रिज्या कितनी है r, और ये जो वृत्ताकार पथ की त्रिज्या है पृथ्वी के अक्षांश के साथ ये कितना एंगल ड्रॉ कर रही है लेमडा, ठीक है, पृथ्वी के अक्षांश के साथ लेमडा कोण बना रही है, ठीक है। तो इसकी वृत्ताकार पथ को भी बना दीजिए, अरे बात मत कीजिए आप लोग, नाम लेना पड़ेगा क्या हमें, चैनल पर पहुँचोगे सीधे, वही तो कह रहे हैं, ठीक है। तो ये हो गया वृत्ताकार पथ। इसी तरीके से यहाँ पर अगर ऑब्जेक्ट होगा किसी समय तो यहाँ पे एक वृत्ताकार पथ बनेगा, इसको भी बना दीजिए आप। वैसे ऐसा कोई केस हम लोग कंसीडर नहीं करेंगे, ये सारी चीज़ें हम लोग, ठीक है, देखना है। देखिए तो ये हो गया, तो अब क्या हुआ ध्यान से देखिएगा, तो जब ऑब्जेक्ट यहाँ पर वृत्ताकार पथ पर गति करेगा तो वृत्ताकार पथ पर गति करने के लिए अभिकेंद्र बल की ज़रूरत होती है, ठीक है, और वो अभिकेंद्र बल कहाँ मिलेगा, कहाँ से मिलेगा, तो वो अभिकेंद्र बल एम जी के कारण मिलेगा, ठीक है। और वो अभिकेंद्र बल कितना होगा, तो अभिकेंद्र बल हमारे पास कितना होता है ध्यान दीजिएगा, ठीक है, अच्छे से। तो अभिकेंद्र बल इस पर कितना लगेगा, तो उसके लिए सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, इसकी रेडियस को कैलकुलेट करनी पड़ेगी। ये पूरी रेडियस जो है वो कितनी है आर ई, और यहाँ से एंगल लेमडा है, तो ये वाली रेडियस कितनी आएगी, नाम दे दीजिए इसको आप पी सी दे दीजिए सी, तो ये पी सी हो गया, ओ हो गया, ठीक है। तो पी सी रेडियस का मान हमें निकालना है, तो हम लोग क्या करेंगे, गुणा नहीं किए थे, ये समझ में आ गया था ना पैराशूट वाला, देखिएगा आप लोग लिख लिए ना, हाँ तो ठीक है।
कल नहीं बनाए थे, डोंट वरी। ठीक है, तो हम इस पे बात करते हैं। त्रिभुज एक जो है हमारे पास है PCO, ठीक है, ध्यान दीजिएगा, त्रिभुज PCO में, ध्यान दीजिएगा, तो ये आपका कोण है ना लेमडा, और कोण से जो भुजा लगी होती है उसे हम लोग क्या बोलते हैं, आधार, और OP आपका क्या है, कर्ण। तो OP आपको पता है कितना है, RE, और रेडियस R आपको निकालना है यानी आधार निकालना है, तो आधार और कर्ण में रिलेशन cos थीटा, ठीक है ना। तो इसमें जब हम लोग cos थीटा लेंगे तो cos थीटा इज इक्वल टू क्या होता है, आधार बटे कर्ण। तो आधार आपका कितने आए, PC या CP, ठीक है, तो PC डिवाइडेड बाई कर्ण क्या है आपका, OP, तो OP। तो इस तरीके से आपको PC की जो वैल्यू मिल गई, PC बराबर कितना मिलेगा, तो PC इज इक्वल टू OP cos थीटा, ठीक है। तो PC का मान कितना आ गया, तो PC बराबर हमारे पास कितना है, R, तो R इज इक्वल टू OP मतलब RE, RE cos थीटा, ये आपके पास आ गया। जब PC की वैल्यू आपके पास निकल गई तो इधर की ओर जो कार्य करने वाला अभिकेंद्र बल होगा ना, तो अभिकेंद्र बल अब हम लोग निकालते हैं, तो अभिकेंद्र बल कितना होगा, F इज इक्वल टू क्या होता है, एम वी स्क्वायर बाई आर, ध्यान से देखिएगा एकदम बहुत अच्छे से, ठीक है। तो अभिकेंद्र बल होता है एफ इज इक्वल टू एम वी स्क्वायर बाई आर, बट हमारे पास क्या होता है, बट इसमें दिख रहा है, बट वी बराबर क्या होता है, वी इज इक्वल टू आर इंटू ओमेगा, ये कहाँ से आता है, कोणीय वेग तथा रेखीय वेग में संबंध। जब इसको यहाँ पे पुट करेंगे तो देयर फॉर एफ बराबर हो जाएगा एम इंटू वी का स्क्वायर है, तो R का स्क्वायर ओमेगा का स्क्वायर डिवाइडेड बाई R, तो एक R से एक R कैंसिल आउट हो जाएगा। फिर इस स्मॉल R की वैल्यू पुट करेंगे तो स्मॉल R कितना है, आर ई कॉस थीटा, तो F बराबर फाइनली कितना आएगा, तो F बराबर आ जाएगा M इंटू स्मॉल R की वैल्यू आर ई कॉस थीटा, तो आर ई कॉस थीटा या कॉस लेमडा लेमडा इंटू ओमेगा स्क्वायर, ठीक है। ध्यान दीजिएगा यहाँ पे थीटा कर दिए जरूर हो, लेकिन यहाँ पे एंगल कितना है लेमडा, ठीक है, तो कॉस, हाँ जो आप चाहो वो तो आप पे डिपेंड करता है, जो आप चाहो, ठीक है, नो प्रॉब्लम, एंगल के पीछे परेशान होने की जरूरत नहीं है, ठीक है। तो कॉस लेमडा, तो ये समझ में आ गया आपकी, अभिकेंद्र बल कितना लगता है, एम आर ई कॉस लेमडा इंटू ओमेगा स्क्वायर। तो हाँ नहीं, कल नहीं देख लो गड़बड़ाया था, ठीक है, तो हाँ यहीं पर गलत हुआ था। तो ये जो है आपका अभिकेंद्र बल किधर एक्ट करेगा, केंद्र की ओर, ध्यान दीजिएगा, तो अब केंद्र बल केंद्र की ओर करेगा कार्य। तो अब हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पर जब हम लोग देख रहे हैं, ध्यान से देखिएगा आगे फिर से, तो अब जब ये चीज़ें हो गई, इसको आप यह बता दीजिएगा F, और F की वैल्यू हम यहाँ पे लिखें, यहाँ पे मत लिखिएगा, बहुत फिगर एकदम भरा भरा सा लगने लगेगा, कुछ समझ में नहीं आएगा, ठीक है। तो F बराबर कितना आया, एम आर ई कॉस लेमडा इंटू ओमेगा स्क्वायर। तो जब आपके पास ये चीज़ें पता चल गई, क्या पता चल गया कि इधर की ओर एक फोर्स लग रहा है पी सी डायरेक्शन में F, ठीक है, और एम जी यानी वस्तु का जो भार है वो केंद्र की ओर लग रहा है, जबकि गुरुत्व जो प्रेक्षित गुरुत्वीय त्वरण है उसके कारण वस्तु का जो प्रेक्षित भार है वो केंद्र से थोड़ा हटकर एम जी डैश कार्य कर रहा है, ठीक है। तो इस तरीके से अगर हम लोग देखें तो जो बल एफ है और एम जी डैश है, ये दोनों अलग अलग फोर्सेज लग रहे हैं, जबकि एम जी क्या है, एकदम से बीच में है, बीच में रहने का मतलब कि एम जी कुछ इस तरीके से कार्य कर रहा है जैसे एम जी एफ और एम जी डैश का परिणामी हो, ठीक है ना। तो अगर इसे हम लोग परिणामी बल कंसीडर करेंगे तो फिर हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे एक समांतर चतुर्भुज फॉर्म करने की कोशिश करते हैं जो हमें दिख रहा है, ठीक है। तो ये आपका, ध्यान दीजिएगा, इसको हम लोग मिला रहे हैं, तो ये आपका क्या है, एम जी डैश, एम जी डैश हो गया, इसे हम लोग डॉटेड कर देंगे ना, कंपोनेंट फॉर्म में बना रहे हैं, तो ये एम जी, और दूसरा जो यहाँ से आपका एफ है, एफ को इस तरीके से मिलाएंगे, तो इसे भी हम लोग डॉटेड रखेंगे, ठीक है। तो ये आपका F, F फोर्स यहाँ पर बन रही है, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग पॉइंट A कंसीडर कर लेते हैं ना, यहाँ पे पॉइंट D कंसीडर कर लेते हैं, और ये आपका पॉइंट B कंसीडर कर लेते हैं, ठीक है। तो क्या कर रहा है, तो PD जो है वो PA और PB का परिणामी है ना, इस प्रकार से हमें एक समांतर चतुर्भुज मिल रहा है जिसका नाम है PADB। समांतर चतुर्भुज क्यों, क्योंकि समांतर चतुर्भुज की सम्मुख भुजाएं क्या होती हैं, समानांतर होती हैं, तो PA समानांतर है BD के,
ए डी समानांतर है पी बी के, तो इस तरीके से यह एक समानांतर चतुर्भुज है। जब ये समांतर चतुर्भुज हमें मिल जाएगा तो हम लोग क्या करेंगे, अगले स्टेप में हम लोग इसमें समांतर चतुर्भुज का नियम या तो वेक्टर कैलकुलेट करते समय जो हम लोग किए थे गणितीय नियम को लगाएंगे। ठीक है, यहाँ तक हो गया आप लोग का, नोट कर लिए, नोट हो गया ना, अभी नोट किया, नोट कर लो यहाँ तक। कल वाला भी सही था सर? हाँ कल वाला भी सही था, लास्ट तो थोड़ा गड़बड़ हुआ था। ठीक है अच्छा, नहीं 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 उसमें क्यूब हो गया था ना, आज आज डिस्कस करो बताते हैं। ठीक है तो ये हो गया, आगे चलें। ठीक है तो कपड़ा कहाँ रख दिया आप लोग, वैसे लिया मैं रहता हूँ, आप लोग कैसे रखोगे ध्यान दीजिएगा। इसको हम लोग थोड़ा सा इरेज कर देते हैं क्योंकि बोर्ड की हमें ज़रूरत पड़ेगी, इरेज कर दें। तो समांतर चतुर्भुज की हम लोग बात कर चुके ना, तो अब हम लोग क्या करते हैं देखिएगा, इसको लिख देते हैं थोड़ा सा, आपका कौन सा पी ए डी बी, पी ए डी बी डी बी आप लोग लिखते रहिए, एक समांतर चतुर्भुज, समांतर चतुर्भुज चतुर्भुज की रचना करता है, की रचना करता है, अतः समांतर चतुर्भुज, सदिशों के समांतर चतुर्भुज, सदिशों के समांतर चतुर्भुज चतुर्भुज ठीक है का नियम लगाने पर, लगाने पर। ठीक है इससे पहले हम लोग क्या करते हैं कि हमारे पास जो त्रिभुज है पी डी बी, देखिएगा ये एंगल लेमडा है तो जेड में बने कोण आपस में बराबर होते हैं, तो ये एंगल भी क्या हो जाएगा, लेमडा हो जाएगा। ठीक है तो हम लोग यहाँ पे सबसे पहले त्रिभुज हमारे पास जो है त्रिभुज कौन सा पी डी बी की बात करते हैं। ठीक है त्रिभुज पी डी बी में, पी डी बी ध्यान दीजिएगा। अब आपको क्या होता है कि दो वेक्टरों का परिणामी किस प्रकार से निकाला जाता है, ये बताया जाता था कि सपोज कीजिए आपके पास क्या है दो वेक्टर, एक वेक्टर आपके पास ए हो गया और दूसरा वेक्टर आपके पास क्या है बी। ठीक है दो वेक्टरों का परिणामी तो इस तरीके से ना, या तो फिर हम लोग और देखें ये एंगल कितना है इनके पास, थीटा लेमडा कुछ भी कंसीडर कर लो। फिर हम लोग क्या करते थे, दो वेक्टर होते तो एक वेक्टर इधर से ड्रॉ करते थे वेक्टर ए, फिर दूसरा वेक्टर इसके बाढ़ाग्र से वेक्टर बी, और फिर जब रिजल्टेंट निकालना होता था तो वेक्टर ए के पुच्छ को वेक्टर बी के बाढ़ाग्र से जोड़ते थे, तो ये हमें रिजल्टेंट वेक्टर आर मिलता था। तो वेक्टर आर इज इक्वल टू ए प्लस बी, वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी, और अगर इनके बीच में एंगल यहाँ पर हम लोग थीटा कंसीडर करते थे तो उस केस में थीटा क्या आ जाता था आर बराबर, तो आर स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस टू ए बी कॉस थीटा, ये आता था। ठीक है ध्यान दीजिएगा, तो इसी फॉर्मूले का यूज़ करके हम लोग को यहाँ पे परिणामी निकालना है। ठीक है और ध्यान दीजिएगा, तो हम लोग त्रिभुज पी डी ए में आए हैं, पी डी बी, तो पी डी बी में ध्यान से देखिएगा, तो पी डी बी ना, तो अब यहाँ से पी ए सॉरी पी डी आपका एक वेक्टर है, डी बी दूसरा वेक्टर है, और इन दोनों का परिणामी ये दिख रहा है आपका पी बी। ठीक है ध्यान दीजिएगा, तो जब पी बी परिणामी है आपका तो हम लोग इसमें फॉर्मूला जब लगाएंगे तो क्या हो जाएगा, तो पी बी का स्क्वायर, ध्यान दीजिएगा पी बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू ना, पहला कौन सा है पी डी का स्क्वायर, तो पी डी का स्क्वायर प्लस कौन सा डी बी, ठीक है डी बी का स्क्वायर, डी बी का होल स्क्वायर प्लस टू पी डी इंटू डी बी, ठीक है और क्या कॉस लेमडा, ध्यान दीजिएगा बहुत अच्छे से ना, तो क्या हो गया, तो इसे हम लोग
पी डी का नो प्रॉब्लम, पी डी ही रखते हैं, तो पी डी का स्क्वायर ठीक है प्लस, अब जो आपका डी बी है ना, डी बी हम जा रहे हैं तो इस डायरेक्शन में वेक्टर को ले जा रहे हैं, लेकिन यहाँ पर समांतर चतुर्भुज है तो इसमें ये वाली इधर की ओर, ये जो पी ए है हमारा इधर की ओर डायरेक्टेड है ठीक है, तो इसीलिए हम उसको डी बी को बी डी कंसिडर करेंगे और माइनस में, क्योंकि ए बी इज इक्वल टू माइनस बी ए, तो यहाँ पर हम लोग क्या करते हैं डी बी को लिख देते हैं माइनस डी, डी बी को क्या लिखेंगे माइनस बी डी, जब बी डी करेंगे तो माइनस हो जाएगा बी डी, इस चीज़ को यहाँ पर बहुत अच्छा समझना, ध्यान दीजिएगा ठीक है, बी डी विकास समझ में आया क्या हमने बताया, हमने बताया कि हम वेक्टर को यहाँ से डी से बी डायरेक्शन में इधर से इधर की ओर कंसीडर किए हैं, जबकि ऊपर वाला जो फोर्स है वो किधर से है पी से ए, यानी अपोजिट डायरेक्शन में है, तो इसीलिए हम इस वेक्टर को इस डायरेक्शन में कंसीडर करके क्या करेंगे, यानी कि ये वाला इधर की ओर है इस डायरेक्शन में कंसीडर करेंगे और वो भी क्या करेंगे माइनस, तो डी बी था तो इसको हम क्या लिखेंगे माइनस बी डी, तो डी बी बराबर होगा आपका माइनस बी डी, ये समझ में आ रहा है ना, तो ये चीज़ हम लोग कर रहे हैं, तो जब हम लोग ये चीज़ किए तो क्या कर रहे हैं डी बी की जगह पे माइनस बी डी, तो डी बी की जगह माइनस बी डी यहाँ पे रखें प्लस, ठीक है क्या हो जाएगा टू टाइम्स ऑफ पी डी इंटू डी बी की जगह पे माइनस बी डी, बी डी और कॉस लेमडा, वैल्यूज पुट करिए आप, तो अब जब वैल्यूज पुट करेंगे तो क्या था आपका पी बी का होल स्क्वायर, वैल्यूज पुट करिए तो पी बी एम जी डैश, एम मिट गया क्या, ठीक है एम जी डैश, तो क्या हो जाएगा एम जी डैश ठीक है का होल स्क्वायर इज इक्वल टू इधर आपका पी डी, पी से डी एम जी ठीक है, तो एम जी का होल स्क्वायर ठीक है प्लस, माइनस का स्क्वायर करेंगे प्लस हो जाएगा तो प्लस ही लिखे हैं, प्लस बी डी यानी बी से डी, बी डी जो है आपका है बी डी, बी डी किसके बराबर है पी ए के ठीक है, तो पी ए का मान कितना है हमारे पास, एक बार आप लिख दो, एक बार वैल्यूज पुट कर दो चेंज करके ठीक है, लिख दो क्या है सिंस हमारे पास जो बी डी है बी डी इज इक्वल टू किसके है पी ए के, तो पी ए एक बार पुट कर दो इसमें, जब पी ए पुट करोगे तो देयर फॉर पी बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू पी डी का होल स्क्वायर ठीक है प्लस बी, बी डी की जगह पे पी ए, पी ए का होल स्क्वायर ठीक है और प्लस माइनस माइनस टू टाइम्स पी डी इंटू पी ए और क्या है कॉस लेमडा पुट कीजिए, अब वैल्यूज पुट कीजिए, तो पी बी, पी बी क्या है आपका एम जी डैश, तो एम जी डैश का होल स्क्वायर इज इक्वल टू पी डी एम जी, तो एम जी का हाँ अभी चिल्लाना बाद में कहना ऊपर से निकल गया का स्क्वायर प्लस पी ए, पी ए आपका कितना है एफ एम आर ई कॉस लेमडा इंटू ओमेगा स्क्वायर, ध्यान दीजिएगा विकास छापना स्टार्ट कर दिए ठीक है, तो एम आर ई कॉस लेमडा और क्या है ओमेगा स्क्वायर का होल स्क्वायर ठीक है माइनस टू इंटू और क्या है पी डी, पी डी की वैल्यू एम जी इंटू पी ए की वैल्यू एम आर ई कॉस लेमडा इंटू ओमेगा स्क्वायर और क्या बसा कॉस लेमडा इंटू कॉस लेमडा, इधर आ रहा नीचे और कर बस कर चलो देखो तो ये क्या हो जाएगा, अब देखो जब इसको ओपन करेंगे हम तो एम स्क्वायर जी डैश का स्क्वायर, एम स्क्वायर जी का स्क्वायर, एम स्क्वायर इसमें भी है और एम एम मिलाकर एम स्क्वायर इसमें भी, एक स्टेप और सॉल्व कर देते हैं तो इसको हम लोग आगे सॉल्व करते हैं, जब इसको हम लोग आगे सॉल्व करेंगे तो देखिएगा तो ये क्या हो जाएगा आपका एम स्क्वायर जी डैश, जबरदस्ती के स्टेप्स हैं लेकिन फिर भी देखते जाइए इज इक्वल टू, यहाँ से एम स्क्वायर हम लोग कॉमन लेते हैं ठीक है, तो एम स्क्वायर जब कॉमन ले लेंगे तो बचेगा क्या, यहाँ पे बचेगा जी का स्क्वायर प्लस यहाँ पे बचेगा आपका आर ई का स्क्वायर कॉस स्क्वायर लेमडा इंटू ओमेगा की पावर फोर ठीक है माइनस यहाँ पे एम इंटू एम, एम स्क्वायर बाहर आ चुका है जी आर ई टू जी आर ई और क्या बचा कॉस लेमडा, कॉस लेमडा तो कॉस स्क्वायर लेमडा और ओमेगा स्क्वायर इतना बचा ठीक है, तो एम स्क्वायर से एम स्क्वायर कैंसिल आउट ठीक है, तो क्या बचा आपके पास तो जी डैश का स्क्वायर इज इक्वल टू जी स्क्वायर प्लस आर ई स्क्वायर कॉस स्क्वायर लेमडा ओमेगा की पावर फोर माइनस टू किसको
कहाँ पे? ओमेगा टू, टू जी आर ई कॉस स्क्वायर लेमडा ओमेगा स्क्वायर, ध्यान दीजिएगा, ठीक है। तो क्या करेंगे हम लोग, अब चूंकि हमारे पास जो ये वाला स्टेप है ना, पृथ्वी का जो कोणीय वेग है ओमेगा की बात हम लोग किए थे, तो ओमेगा इज इक्वल टू 7.0 इंटू 10^-5 रेडियन पर सेकेंड। ये बहुत कम वैल्यू है, और जब इसकी पावर 4 करेंगे हम लोग, 10^-5 का होल पावर 4 जब करेंगे, तो ये वैल्यू कितनी हो जाएगी, 10^-20, जो कि बहुत लेस हो जाएगी और लगभग निगलेजिबल होगी। तो इस पूरे स्टेप को हम लोग क्या करते हैं, छोड़ देते हैं, ठीक है। तो ये बात आपको यहाँ पर लिखनी पड़ेगी कि क्यों छोड़ा गया ना? तो क्या है, आर ई का स्क्वायर कॉस स्क्वायर ओमेगा की पावर 4 ना, एक बहुत छोटे ना, छोटा पद होगा, ठीक है, होगा, अतः इसे छोड़ने पर, इसे छोड़ देंगे हम लोग छोड़ने पर, और भी रीजन हम बताए हैं, तो उसको आपको ध्यान रखना है। जब इसको छोड़ दोगे आपके पास, तो बचेगा क्या, केवल आपके पास बचेगा जी डैश का, ठीक है, तो जी डैश का स्क्वायर इज इक्वल टू जी स्क्वायर, और ये स्टेप छोड़ दिए, बचाइए -2ZRE कॉस स्क्वायर लेमडा इंटू ओमेगा का स्क्वायर, ठीक है। अब इन दोनों स्टेप्स में हम लोग Z को कॉमन लेना चाहेंगे, Z स्क्वायर को, जब Z स्क्वायर को कॉमन लेंगे तो क्या हो जाएगा आपके पास, तो Z डैश का स्क्वायर इज इक्वल टू, Z स्क्वायर को कॉमन ले लिए, तो जब Z स्क्वायर को कॉमन लिए तो यहाँ पे क्या बचा, 1 माइनस, यहाँ पे चूंकि केवल G था, G स्क्वायर नहीं था, तो एक G डिवाइड में आएगा, तो 2ZRE कॉस लेमडा ओमेगा स्क्वायर डिवाइडेड बाई जी, सॉरी जी यहाँ नहीं रहेगा ना, कॉमन ले चुके हैं, तो एक जी केवल नीचे आएगा, तो ये आ जाएगा आपके पास, ठीक है, हो गया। तो नोट कर लीजिए, इतना पहले कॉस स्क्वायर नहीं है क्या, कॉस स्क्वायर है ना, तो कॉस स्क्वायर लेमडा बना लीजिए उसे, उसमें क्या है, कॉस स्क्वायर लेमडा, ठीक है, आर ई का स्क्वायर कहाँ से, आर ई का स्क्वायर कहाँ है, नहीं उस वाले को स्टेप तो छोड़ दिया हम लोग, हाँ ध्यान देना गड़बड़ ना होने पाए, तो जी स्क्वायर इंटू ब्रैकेट में 1-, ठीक है ध्यान से देखिएगा, 2RE कॉस स्क्वायर लेमडा और क्या है, ओमेगा स्क्वायर डिवाइडेड बाय जी, ठीक है, और क्या हो जाएगा, पूरे का होल स्क्वायर, तो जब होल स्क्वायर करेंगे तो होल स्क्वायर इसका भी होगा, लेकिन चूंकि जी स्क्वायर है तो एक जी बाहर आ जाएगा, ठीक है, और ये इधर होल स्क्वायर था, इधर क्या हो जाएगा, पावर 1/2, होल स्क्वायर जब उधर जाएगा तो पावर इधर 1/2 हो जाएगा, तो यानी कि स्क्वायर रूट हो जाएगा, स्क्वायर रूट में तो यहाँ पे जी स्क्वायर था तो एक जी बाहर आ जाएगा, तो यहाँ हम लोग एक जी बाहर ले लिए, एक स्टेप का जैसे कम कर दिए, यहाँ पहले से जी स्क्वायर बाहर है, ध्यान देना, इसी चीज़ को समझा रहे हैं, समझ नहीं पा रहे हो आप लोग, हे भगवान, ठीक है, चलो ये हो गया आपका जी स्क्वायर, और जो होल स्क्वायर यानी पावर रूट 2 है 1/2 का, इस पर हम पूरे पे लगा दे रहे हैं, अब सही है, अब सही है ना, तो जी स्क्वायर का जब पावर रूट 2 करेंगे यानी 1/2 का मतलब रूट में, तो रूट में तो एक जी बाहर आ जाएगा, हाँ, तो यही मैंने एक स्टेप स्टार्ट कर दिया, तो आप लोग को समझ में नहीं आता, बड़े कमज़ोर स्टूडेंट हो, पता नहीं इससे पहले कहाँ पढ़े थे, तो जी इज इक्वल टू 1-2RE कॉस स्क्वायर लेमडा ओमेगा स्क्वायर डिवाइडेड बाई जी, और क्या है इसमें, पूरे की होल पावर 1/2। अब इस वाले टर्म में हम लोग बाइनोमियल एक्सपेंशन यानी द्विपद प्रमेय की बात करेंगे, और इस चीज़ को हम ऑलरेडी एक न्यूमेरिकल प्रॉब्लम में जो कि मैंने चैनल पर डाला हुआ था डिस्कस किए थे, और आप लोग अगर चैनल देखे होते तो अच्छे से बता पाते कि सर हाँ प्रॉब्लम एक्चुअल में क्या थी, क्यों अब कितना चैनल देखते हो ये मुझे पता चल गया कि वो लाइक और शेयर करके आगे बढ़ जाते हो ना, ठीक। तो बाइनोमियल एक्सपेंशन की हम लोग बात करते हैं यानी द्विपद प्रमेय,
यहाँ पर देखिए हम बता दे रहे हैं, तो द्विपद प्रमेय आपका होता है द्विपद, यानी कि जब किसी एक्सपेंशन में दो पद हों तो पहला पद हमारा हो गया वन और दूसरा पद एक्स, तो वन प्लस एक्स की पावर एन, तो इसका फॉर्मूला होता है इलेवेंथ में मैथमेटिक्स में आप लोग पढ़े भी होंगे द्विपद प्रमेय या बाइनोमियल एक्सपेंशन। ठीक है, तो क्या होता है, तो इसका जब हम लोग एक्सपेंशन करते हैं, इसमें दिख रहा है नहीं, ठीक है, तो एक्सपेंशन इसका करेंगे क्या होगा, वन प्लस एक्स की पावर एन का क्या होगा, तो वन प्लस एन एक्स, ये पहला स्टेप होता है, प्लस एन इंटू एन माइनस वन इंटू डिवाइडेड बाई फैक्टोरियल टू इंटू एक्स स्क्वायर, ठीक है, ये दूसरा स्टेप। आगे भी ऐसे ही स्टेप होते हैं, एन इंटू एन माइनस वन, फिर एन माइनस टू डिवाइडेड बाई फैक्टोरियल थ्री इंटू एक्स क्यूब ना, तो ये एक्सपेंड होता जाता है, और हमें इस पूरे जो दिए हुआ हमारे पास क्या है, एक टर्म है, तो इसे हमें क्यों वन प्लस एन एक्स तक एक्सप्लेन करना है, ध्यान दीजिएगा, वन और इसमें प्लस की जगह पर क्या है, माइनस है। अच्छा, वो नहीं दिख रहा है, बोर्ड नीचे कर देना। चलिए, इधर दिख रहा है, इधर बता दे रहे हैं, जब लोग द्विपद प्रमेय की यहाँ पर बात करने जा रहे हैं, तो द्विपद प्रमेय होता है हमारे पास वन प्लस एक्स की पावर एन इज इक्वल टू, इसे एक्सप्लेन करते हैं तो क्या होता है, सबसे पहला टर्म वन प्लस एन इंटू एक्स, ठीक है, ध्यान दीजिएगा, तो वन प्लस एन एक्स, फिर इसके अगला टर्म एन इंटू एन माइनस वन, ठीक है, डिवाइडेड बाई फैक्टोरियल टू इंटू एक्स का स्क्वायर, फिर अगला टर्म करेंगे तो प्लस एन इंटू एन माइनस वन इंटू एन माइनस टू डिवाइडेड बाई फैक्टोरियल थ्री इंटू एक्स का क्यूब। तो ऐसे ही हम लोग क्या करते हैं, स्टेप को आगे फॉलो करते चले जाते हैं, तो हमें केवल यहाँ तक एक्सप्लेन करना है इस टर्म को, तो इसमें प्लस की जगह क्या है, माइनस है, तो माइनस से मैंने मतलब है, तो होता क्या, हो क्या रहा है, हो ये रहा है कि जो पावर एन में है वो पहले दूसरे टर्म के साथ मल्टीप्लाई में हो जा रही है, सही है ना, तो इसमें पावर कितनी है, 1 बाई टू, तो इसमें 1 बाई टू इस वाले टर्म के साथ क्या हो जाएगी, मल्टीप्लाई हो जाएगी, ध्यान देना 1 के साथ मल्टीप्लाई नहीं है, केवल दूसरे टर्म के साथ, तो इसमें 1 प्लस एन एक्स तक जब करेंगे तो क्या हो जाएगा, द्विपद प्रमेय से, द्विपद प्रमेय से, यहाँ पे द्विपद प्रमेय लगाएंगे ना, प्रमेय से, जब द्विपद प्रमेय लगाएंगे तो जी डैश की वैल्यू आपके पास आ जाएगी जी इंटू वन माइनस, ठीक है, क्या है, टू आर ई कॉस स्क्वायर लेमडा ओमेगा स्क्वायर डिवाइडेड बाय जी, और एन आपका पहले आ जाएगा, यानी वन बाई टू, तो टू से टू कैंसिल आउट, ठीक है, तो ये आपके पास जो बचा वो रिजल्टेंट आंसर आ गया, और बचा कितना ध्यान दीजिएगा क्या बचा कितना है, अब आप जी का अंदर मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो जी का अंदर जब मल्टीप्लाई करेंगे तो जी डैश इज इक्वल टू जी का वन में मल्टीप्लाई जी माइनस जी का इधर मल्टीप्लाई, तो क्या हो जाएगा, जब अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो नीचे वाली जी है और इस जी से कैंसिल आउट हो जाएगा, तो बचेगा क्या, आर ई कॉस स्क्वायर लेमडा इंटू ओमेगा स्क्वायर, तो यही हमारे पास रिक्वायर्ड एक्सप्रेशन होता है जो हम लोग अभी तक ऑब्टेन करना चाह रहे थे, तो दिस इज रिक्वायर्ड रिजल्ट, नोट कर लीजिए। हाँ ठीक है, होने दीजिए, हम लोग इसको आगे डिस्कस कर लेते हैं, एक दो स्टेप जो हैं उसको कंप्लीट कर लेते हैं। देखिएगा, तो ये हमारा मेन इक्वेशन है, ठीक है, एक्सप्रेशन कह सकते हैं हम लोग, इरेज नहीं हो रहा है मार्कर अच्छे से आज, हाँ इतने में हो जाएगा ना, टाइम होने दो, नो प्रॉब्लम, पढ़ ही तो रहे हो। देखिएगा, तो यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, स्पेशल केसेस में कंसीडर करते हैं, तो केस नंबर फर्स्ट, तो केस नंबर फर्स्ट कहाँ पे हम लोग देखते हैं, ध्यान दीजिएगा, तो पहला विषुवत रेखा पर, पहली केस में विषुवत रेखा पर, विषुवत रेखा पर, यानी कि एट इक्वेटर, एट इक्वेटर, तो विषुवत रेखा क्या है, इक्वेटर, तो इक्वेटर पर जब हम लोग करेंगे तो ये एंगल लेमडा है, तो यहाँ पर भी इस एंगल को आप क्या करते हो, लेमडा कंसीडर कर सकते हो, तो इक्वेटर पर, यहाँ इक्वेटर कहाँ हमारा, ये इक्वेटर है, बताया गया था ना, तो ये लाइन जो है ये आपका इक्वेटर यानी कि विषुवत रेखा है,
जो पृथ्वी को दो बराबर भागों में डिवाइड करती है, और ये पृथ्वी की परिधि पर खींची हुई लगभग 4,075 किलोमीटर लंबी रेखा है। ठीक है, तो अब क्या हो जाएगा, तो जब इस चीज़ को हम इक्वेटर पर ले आना चाहेंगे तो उस केस में लेमडा की वैल्यू कितनी होगी, जीरो। ठीक है, तो एट इक्वेटर ना हमारे पास क्या है, लेमडा इज इक्वल टू आर जीरो। जब लेमडा इज इक्वल टू जीरो हम लोग पुट करेंगे तो कॉस जीरो, तो कॉस लेमडा इज इक्वल टू कॉस जीरो, और कॉस जीरो की वैल्यू वन। ठीक है, तो जी डैश देयर फॉर जी डैश विल बी इक्वल टू जी माइनस कॉस स्क्वायर लेमडा की हेल्प वन आर ई इंटू ओमेगा का स्क्वायर। तो ये हमें फॉर्मूला मिल जाता है। तो ये क्या बताता है, ये बताता है कि इक्वेटर पर z का मान जो है वो क्या है, मिनिमम है। मिनिमम क्यों, क्योंकि z की वैल्यू में z के अलावा ये वाला टर्म घटाया जा रहा है। ठीक है ना, तो ये क्या करता है, ये z की मिनिमम वैल्यू को बताता है, z का न्यूनतम मान, न्यूनतम मान। ठीक है, दूसरे केस, तो दूसरा हम लोग कहाँ पर कंसिडर करते हैं, पोल्स पे, ध्रुवों पर। तो ध्रुवों पर, तो ध्रुवों पर ना, एट पोल्स, एट पोल्स, जब हम लोग पोल्स की बात करेंगे तो वैल्यूज देखिएगा। ठीक है, ये हो गया, पोल्स कहाँ है, तो पोल्स कहाँ है, ऊपर और नीचे, यानी कि पोल्स पर हमें चलना है तो हमें इसे इधर आना पड़ेगा या तो फिर इधर आना पड़ेगा। तो दोनों केस में अभी तक एंगल कितना है, लैम्डा, फिर इस तरीके से पहुँचो तो एंगल कितना हो गया, 90 डिग्री। ठीक है, तो एट पोल्स एंगल कितना है, लैम्डा इज इक्वल टू व्हाट, 90 डिग्री। तो जब लैम्डा को 90 कंसीडर करेंगे तो कॉस लैम्डा यानी कॉस 90, तो कॉस 90 इज इक्वल टू व्हाट, जीरो, कॉस 90 का मान जीरो। तो देयर फॉर जी डैश विल बी इक्वल टू जी माइनस जीरो। तो क्या मतलब, जी डैश का मतलब क्या आया, जी, इसका क्या मतलब कि ध्रुवों पर जी का मान अधिकतम होता है। ठीक है, ये क्या है आपका अधिकतम वैल्यू, यह जी का अधिकतम मान, अधिकतम मान। ठीक है, चलिए नोट कर लीजिए आप लोग। तो आज की क्लास यहाँ पे और करते हैं, ओके, टाटा।